हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करेंगे दिल दिया गल्ला का टाइप्स गिटार पे। तो काफी रोमांटिक गाना है, आपको काफी मजा आएगा इसको सीखने में। तो काफी सारा हैमर ऑन पुल ऑफ स्लाइड्स यूज करेंगे ताकि जो ओरिजिनल फील है वो आ सके गिटार पे भी। तो इसका रिटर्न टाइप्स आपको acoustic.com पे मिल जाएगा, एंड इसका बैक एंड ट्रैक मैं चैनल के मेंबर्स को प्रोवाइड कर दूंगा, एंड 40,000 व्यूज के बाद सबके लिए अवेलेबल होगा। तो आप भी चैनल को ज्वाइन करके चैनल के मेंबर बन सकते हो। मैं आपको रिटर्न टाइप्स, बैक एंड ट्रैक, व्हाट्सएप सपोर्ट सब प्रोवाइड करता हूँ। तो नीचे ज्वाइन बटन का ऑप्शन आ रहा होगा, नहीं तो आप चैनल पे जाके ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। तो ये जो गिटार मैं प्ले कर रहा हूँ, ये डोनर का काफी अच्छा बिगनर लेवल का गिटार है। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट रिव्यू वीडियो बनाया, उसको भी आप जरूर चेक कीजिए। तो चलिए आज का लेसन अभी स्टार्ट करते हैं। तो गाना आपका है डी मेजर स्केल पे, इसका पहला पार्ट जाएगा लाइक दिस। थोड़ा स्लाइड्स करेंगे लाइक दिस, थ्री से स्टार्ट होगा सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है ना। एक फ्लो में आपको करना है, देन आप कहीं से ही डोरियो से, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आराम से प्रैक्टिस कीजिए, पर काफी अच्छा फील आता है इसे गाने का। आप स्लाइड भी कर सकते हैं यहां पे, देन आप कहीं से ही, ये सिंपल है। तो क्या हो गया, देन नेक्स्ट लाइन आपका पूरा सेम है, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। देन आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो कैसा जा रहा है, तो यहां पे क्विक स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। देन हैवर एंड पुल ऑफ, इंडेक्स फिंगर लेंगे पीछे करके यहां पे। तो एक फ्लो में लिखते हैं इसको, देन फिर से यहीं से ही, तो ये पार्ट कैसा हो गया आपका। ठीक है ना, दिल का नेक्स्ट लाइन आएगा दिल दिया गल्ला, दिल का नेक्स्ट लाइन आएगा दिल दिया गल्ला, ठीक है। दिल आपका आएगा, देन स्लाइड करेंगे बैक ले आएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग पे, देन आपका आएगा, देन आपका नेक्स्ट लाइन आएगा, तो कैसा जा रहा है। तो यहां पे दो बार हैमर ऑन पुल ऑफ करेंगे, ठीक है ना। फिर से रिपीट, आपका यहां पे एंड हुआ, देन फिर से ये नोट को भी यहां पे प्ले कर लेंगे थर्ड स्ट्रिंग पे, थोड़ा फिलर ऐड करेंगे, ठीक है ना। देन सेम आपका, सेम चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको वहीं से स्टार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट, तो कैसा जा रहा है। हैमर ऑन पुल ऑफ स्लाइड बैक, तो सेकंड टाइम आपका वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे एंड हुआ, ठीक है ना। देन आपका आएगा यहीं से ही,
तो ये पार्ट कैसा जा रहा है आपका? ठीक है ना? देन फिर से आपका कोरस पार्ट आएगा, आप पूरा सेम रिपीट कर सकते हो, नहीं तो इसको यहां पे एंड कर सकते हो आप। देन इसका अंतरा स्टार्ट करेंगे अभी, तो इसका अंतरा जाएगा लाइक दिस। कब स्टार्ट होगा? फोर्थ स्ट्रिंग का सेवेंथ, थर्ड का सेवेंथ, सेकंड का सेवेंथ। तो यहां पर मैं थोड़ा इंप्रोवाइज कर रहा हूं ये नोट लगा के, फर्स्ट टाइम काफी अच्छा लगा सुनने में। तो यहां पर कैसा जा रहा है? ठीक है ना? देन सिंपल, देन आपका आएगा ये सिंपल है, देन इसके लास्ट लाइन में प्ले कर रहा हूं, इसका पहला लाइन सिंपल है। ठीक है ना? आप इसको ऐसा रख सकते हो, सेकंड टाइम इसको ऐसा प्ले कर सकते हो। ठीक है ना? थोड़ा पे आलाप चलता है, हरकत चलता है थोड़ा। देन फिर से आपका प्रीवियस पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपका स्टार्ट वहीं से होगा जहां पे एंड हुआ लास्ट पार्ट। तो हमें फिंगर का पोजीशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट करेंगे इंडेक्स से, इंडेक्स को ऊपर ले आएंगे, देन मिडिल को लेंगे 12 फ्रेट पे, देन रिंग से स्लाइड करेंगे 14 से 15, देन हैवर ऑन पुल अप स्लाइड बैक। ठीक है? देन आपका पूरा सेम है, तो ही था इसका टैब्स। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, फिर भी इसको ट्राई कीजिएगा, काफी अच्छा प्रैक्टिस होगा इससे फिंगर मूवमेंट का। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए रॉक ऑन, ताकि मुझे पता चल सके कि आप एंड तक वीडियो देख रहे हो। ठीक है ना? तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।